हमने सूर्य नमस्कार किया है और सूर्य नमस्कार हमने लगभग 50 किए हैं और आधा घंटे की और भी वर्कआउट करने के बाद अब हम आपको बता रहे हैं बैकवर्ड बेंडिंग के लिए। तो इस तरह की चेयर ले ली हमने, दोनों पैरों को मैंने ये बीच वाले में होल्ड किया, थोड़ा सा और अंदर गए, और अंदर जाने के बाद एक साथी को पकड़ा दिया अपना हाथ, दोनों हाथ पकड़ाए और खींचा, धीरे से फिर उसके बाद एक हाथ रखा, दूसरा हाथ रखा। इसको हम 5 बार दोहरा सकते हैं और एक बार जब होल्ड करेंगे तो 100 तक काउंटिंग करेंगे लगभग, और फिर उसके बाद सेफ्टी के लिए जब हम वापस आएंगे तो एक बार शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम इसी में ही बैकवर्ड बेंडिंग, इस चेयर को हमने इस तरह से रखा, एक पैर घुटना पीलू पूरा पीछे दीवार के साइड में हमने टिका दिया, उसके बाद आगे वाले पैर को थोड़ा सा और आगे रख दिया जितना हम रख पाए, और लेकिन अपने साथी को थोड़ा सा अपने पैर को पकड़ना है। इस तरह से आपको होल्ड करना है और कुछ देर इस तरह से, ओके ठीक है। तो अब हम फिर से एक बार बता रहे हैं, आपको पैर दिख रहा होगा, लेना है हमें ओके, किसी का साथ होना बहुत जरूरी है आपका, और फिर उसके बाद हमें सेफ्टी के लिए थोड़ा सा आगे बैंड होना पड़ेगा, ये सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। इससे से हम दोनों पैरों से अभ्यास करेंगे तो हमारी बैकवर्ड बेंडिंग काफी इंक्रीज होगी, काफी फ्लेक्सिबल होगी। धीरे से रिलैक्स, आपका बहुत ज्यादा फैट भी बर्न होगा, और इसी तरह से हमको करना है, हम चेयर में अपने दोनों पैरों को लगा लेंगे और धीरे से अपने अच्छे से लाएंगे, और मेरे पैरों को लाना मेरे से, एंड रोक लो। धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है, कोई मजबूत साथी हो जो आपको संभाल सके, उसके साथ में ही मिलके ही आपको करना है, अकेले करने का कोशिश नहीं करेंगे आप। एक बार फिर करेंगे, इसके बाद आपको थोड़ा सा ये सेफ्टी के लिए अपने अब मैं आपको बता दूं कहां कहां गलतियां होती है, तुम जा सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि गलतियां कहां कहां होती है, हम तुम जा सकते हो, खुश रहो। हाँ, हम क्या करते हैं, हम वेट लॉस के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन वो प्लग बंद करना, वो बंद कर देना, स्विच ऑफ। तो हम क्या करते हैं कि हमने हमसे गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं, हम ये लोअर जो बैली फैट है वो कम नहीं हो पाता, बहुत मेहनत करते हैं फिर भी हमारा कम नहीं हो पाता, तो उसके लिए आपको हम बता दें कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं। हम करना तो चाहते हैं बहुत जल्दी, लेकिन हम 3-4 महीने से लगे हुए हैं, 6 महीने से लगे हुए हैं, जो कि हमारा नहीं कम हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी नहीं हो रहा, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कुछ करते हैं तब भी नहीं हो रहा, तो उसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, तो हम उसमें आपको बताना चाहते हैं
पहला पॉइंट ये है कि कैलरी, जो कैलरी आप ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो, आउटटेक कर रहे हो, उसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है। तो जो लोअर बेली फैट है वो जमने लग जाता है हमारा यहाँ पर, और जो बहुत ज़्यादा कैलरी ले रहे हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वो जल्दी से नहीं कम हो सकता। दूसरा पॉइंट आपका एक्सरसाइज नहीं करना, जैसे आप एक्सरसाइज नहीं करते हो और आपका लोअर बेली फैट इकट्ठा होता चला जा रहा है, ये भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। इतना इकट्ठा हो गया कि अब जा ही नहीं रहा है, तो एक्सरसाइज में इकट्ठा हो चुका है तो वो भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। और आप जैसे कुछ ये जैसे थोड़ा बहुत वेट लेकर भी करोगे तो उसमें भी होगा, लेकिन ये आप लेते नहीं हो, करते नहीं हो, तो बॉडी ढीली हो जाती है, एकदम झूलने लग जाती है। तो ये भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि फिर आप डरते हो कि हम हमारी स्किन पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तीसरा पॉइंट हमारा है जंक फूड। हम जंक फूड जो खाते हैं तो हमारे शरीर का जो डाइजेस्ट है वो बिगड़ जाता है पूरा। तो जो डाइजेशन है वो सिस्टम बिगड़ने की वजह से भी हमारा जल्दी से लोअर बेली फैट जो है नहीं बर्न हो पाता है। और फिर उसके बाद आती है एज। एज जब ज़्यादा होने लग जाती है तो हमारे मन में हो जाता है कि हम इतनी एक्सरसाइज करेंगे तो हमें नुकसान होगा, कि ऐसा कुछ नहीं है। आप एज में एक बार फैट बढ़ता है, इकट्ठा होता है, लेकिन आप घटा भी सकते हो और बहुत अच्छे से घटा सकते हो। जो 20 साल की एज वाले घटा सकते हैं, वो 40 साल की एज वाले भी घटा सकते हैं। पांचवा हमारा जो है वो कार्बोहाइड्रेट और शुगर बहुत ज़्यादा हम लेते हैं, इस वजह से हमारा जो ये एरिया है कम नहीं हो पाता है। छठा है टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस लेते हैं कि ऑटोमेटिक वो फैट बर्न नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे सोल्यूशन। इसके क्या सोल्यूशन है? सबसे पहले गर्म पानी आपको नींबू निचोड़ कर पीना है। अगर गर्म पानी आप सुबह सुबह लेते हैं तो वो एक सिस्टम है जो शुरू हो जाता है सुबह सुबह मॉर्निंग में फैट बर्न होने के लिए, वो पूरा दिन उसी में वर्क करेगा। तो सबसे पहला जो आपको लेना है पानी, नींबू पानी, वो बहुत ज़रूरी है। गुनगुना पानी में नींबू निचोड़ना है और आपको वो पीना है, तो ताकि आपका जो सिस्टम है वो चालू हो जाए फैट बर्न वाला। और ये सबसे ज़्यादा ये इसी एरिए में लोअर बेली फैट में ज़्यादा काम करता है। दूसरा है फाइबर इनटेक, यानी कि आपको फाइबर ज़्यादा ज़्यादा खाना है। ओट्स खा सकते हो, बीन्स खा सकते हो, सब्जियाँ खा सकते हो, और कई सारे फ्रूट्स हैं जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, वो खा सकते हो। जितना ज़्यादा ये लोगे उतना ज़्यादा आपका फैट बर्न होने के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो रहेगा। तीसरा है शुगर इनटेक, पूरी तरह से हटाना होगा। आपको शुगर नहीं लेनी है तो नहीं लेनी है, अगर आपको चाहिए कोई रिजल्ट तो आपको शुगर हटाना पड़ेगा अपनी डाइट से। चौथा है आपको कार्बोहाइड्रेट इंटेक, या आपको 40 ग्राम 35 ग्राम ही लेना है, 50 ग्राम से कम लोगे तो ही आपका फैट बर्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा आड़े आता है फैट बर्न में। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा स्लीप, जो हम सोते हैं वो हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, 7-8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो भी बहुत टेंशन होती है और मन नहीं लगता। लेकिन आपको अगर अच्छे से सोते हो तो आपके हर काम अच्छे से होंगे, तो स्लीप जो है आपको बहुत अच्छी से लेनी है 7-8 घंटे की। उसके बाद आ जाता है हमारा हेल्दी ऑयल, जो आप ऑयल लेते हो वो देखो कौन सा है, कोकोनट है या ऑलिव ऑयल है या जो भी अच्छा सा ऑयल है, अच्छी ब्रांड का ऑयल आपको लेना है। अगर अच्छी ब्रांड का ऑयल अगर आप लेते हो तो फैट बर्न में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यानी हेल्पफुल है। और फिर उसके बाद एप्पल सिट्रिक जो है वो आपको लेना है, एक ग्लास गर्म पानी में आपको 2 चम्मच डालना है। और जब भी आप कुछ भी खाते हो, खाना खाते हो, कोई मील लेते हो, तो उसके आधे घंटे पहले ये लेना है। ये भी फैट कटर है जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और आप इसको लेकर और फिर आप और जल्दी आप अपना लोअर बेली फैट घटा सकते हो। और ये टेस्ट अगर आपको लगता है अच्छा नहीं होता तो आप नाक बंद करके ले सकते हो। ये जो अपना एप्पल सिट्रिक विनेगर है तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपके लिए। और सबसे बड़ी बात है कैफीन, कैफीन जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको आधे घंटे पहले लेना है। कैफीन मिल सकता है आपको ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी में, तो वो लेंगे आप तो आपके अंदर एक पावर होगी, सिस्टम चालू हो जाएगा, आप एक्सरसाइज करोगे तो आप बर्न करने नहीं लग जाओगे जो भी आप करते हो। और फिर उसके बाद आपका जो भी कार्डियो के साथ साथ आपको वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, और मसल्स जो है वो टाइट होनी बहुत ज़रूरी है। अगर
करते हैं आप कार्डियो और ऐसा कुछ नहीं करते हैं जैसे योगा, योगा से भी बहुत अच्छा इस जितना टोन होती है बॉडी उतना ज़्यादा योगा से बेहतर तो कोई भी नहीं है। तो आप टोन करने के लिए कुछ भी योगा करें या फिर वेट लिफ्टिंग करें, आपको करना ही पड़ेगा कार्डियो के बाद में, वरना फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, झूला झूलने लग जाएगी, यानी कि यह या हाथ की स्किन, पैर की स्किन बहुत ज़्यादा और पेट की स्किन आपकी ढीली, बहुत ज़्यादा ढीली हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसा करना है। फिर आपका 10वां आ जाता है वाटर, वाटर इंटेक जो करना है। देखिए 100 किलो में आप 20 का वो कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो उसमें क्या होगा कि जब डिवाइड कर देते हैं 100 में 20 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। तो जो 100 किलो वजन वाले हैं वो 5 लीटर पानी पीना है वर्कआउट करते ही 1 घंटा, तो 1 किलो 1 लीटर और उसमें ऐड कर लीजिए। जैसे मान लो 60 kg का कोई है और उसको कितना लेना है, 3 किलो प्लस 1 घंटा एक्सरसाइज करते तो 4 लीटर, 4 लीटर पानी उनको पीना है, और अगर 2 घंटा वर्कआउट करते तो 5 लीटर पानी पीना है। तो इस तरह से आपको अपना पानी पीना है। पानी पीने से आपके जो फैट है वो बर्न होगा, बार बार आप टॉयलेट जाएंगे यूरिन पास होगा और उसके द्वारा आपका फैट निकलेगा। सब कुछ ले लेते हैं सब कोई, लेकिन पानी नहीं लेते, पानी के लिए भूल जाते हैं, जो कि उनके लिए इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता और बॉडी में चमक भी नहीं रहती, बॉडी सूखने लग जाती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है आपका, ये बहुत ज़रूरी है। फिर होता है हमने कार्बोहाइड्रेट भी बंद कर दिया, शुगर भी नहीं ले रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं ले रहे हैं, तो हम फिर लें क्या, आप प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोटीन लेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में पावर आएगी, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो फैट बढ़ाने में कार्य करता है लेकिन ऊर्जा भी देता है, लेकिन प्रोटीन आपका बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन आपको मिल सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोटीन मिलता है। अगर आप नॉनवेज नहीं लेते हैं तो आप वेजिटेबल्स जो हैं कई सारी चीज़ें उसमें, छोले में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। ध्यान रखिएगा जिनको भी PCOD की शिकायत है उनको दूध वगैरह मना होता है, और भी कई सारी फैटी लीवर है उनको भी दूध वगैरह मना होता है, तो इस तरह से वो छाछ और दही ले सकते हैं। बाकी आप प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लें। और फिर उसके बाद आप देखिए 1 घंटे की वॉक जरूरी है, बहुत ज़रूरी है वॉक, अगर आप फैट बर्न कर रहे हैं 1 घंटे की कार्डियो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, आधे घंटे का योगा प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, 5 मिनट का मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। सकारात्मक रहें और फ़ायदा जरूर मिलेगा, ये बार बार सोचते रहें, हर रोज़ अपने आप को चेक ना करें कि मेरा ये वज़न कम हुआ नहीं हुआ, इन चीज़ चेक करें, नहीं, आपको ये सब चीज़ें डीमोटिवेट करती है, तो इसलिए आपको वही चीज़ें देखनी है जो ज़्यादा ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। ओके।